तो भाई आईपीएल का ये सीजन तो खत्म हो चुका है और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है 2019 के वर्ल्ड कप का। और आज इस वीडियो में भाई मैं आपको ऐसे पांच सुपर प्लेयर्स के नाम बताने वाला हूं जो 2019 के आईपीएल में भी खेले हुए हैं। ये पांचों विदेशी खिलाड़ी हैं और भाई वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की गले की हड्डी बन चुके हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, टीम इंडिया के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेंगे ये पांचों खिलाड़ी। इन सभी के नाम बताऊंगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखना। और आप में से बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो फटाफट एमसीबी फैमिली आईपीएल फैन आर्मी का हिस्सा बन जाइए। नीचे लाइक के बटन को हिट कर दीजिए भाई, और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो भाई चलिए इस लिस्ट की शुरुआत करते हैं फटाफट नंबर पांच से। तो पांचवें स्थान पर भाई हमने हमारी लिस्ट में रखा है क्विंटन डी कॉक को। स्पेशली इस बार के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से क्विंटन डी कॉक बहुत अच्छे फॉर्म में थे। हालांकि मुंबई की टीम की जीत में इनका बहुत अहम योगदान रहा, लेकिन वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की हार अगर होती है तो ये खिलाड़ी अहम योगदान दे सकता है, क्योंकि भाई इन्हें एक तरह से आप साउथ अफ्रीका का रोहित शर्मा कह सकते हैं। अगर ये चलते हैं तो बहुत तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं, इस आईपीएल में हमने देख ही लिया। ऑन एंड ऑन इंग्लैंड की पिचेस पर इनका रिकॉर्ड काफी बेहतर रहा है। इंग्लैंड में ये अमूमन फ्लॉप नहीं होते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की पिचेस थोड़ी थोड़ी आप कह सकते हैं कि सेम तरीके से बिहेव करती है, तो इन्हें पिच के हिसाब से कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। अगर इन्हें जल्दी आप आउट नहीं कर सके वर्ल्ड कप में तो आप ये भूल जाइए कि आप इनका मिडिल ऑर्डर बख्शने वाला। साउथ अफ्रीका बहुत तगड़ी टीम रहने वाली है बिकॉज ऑफ क्विंटन डी कॉक जैसे प्लेयर्स के कारण। तो भाई ये पहले प्लेयर है और पांचवें स्थान पर हमने रखा है, आईपीएल के परफॉर्मेंस के आधार पर दिक्कत कर देंगे। चौथे स्थान पर जिस प्लेयर को हमने हमारी इस लिस्ट में जगह दी है वो है भाई जॉस बटलर। अगर आपने इस बार का आईपीएल पूरा सीजन देखा है और अगर जॉस बटलर पूरा सीजन खेलते हैं, मतलब कि आखिरी मैचों में वापस नहीं जाते और इनकी टीम प्लेऑफ में पहुंच जाती, तो जॉस बटलर वो प्लेयर होते जो भाई आप कह सकते हो कि ऑरेंज कैप ले जाता, क्योंकि ये जो प्लेयर है खेलेगा इंग्लैंड में, इंग्लैंड की धरती इसको सपोर्ट करेगी, तो आप ये मान के चले कि ये अपर ऑर्डर बहुत दिक्कत कर देगा इंग्लैंड का टीम इंडिया के गेंदबाजों के लिए। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने ज्यादा अनुभव नहीं है इंग्लैंड की धरती पर ओडीआई मैचेस खेलने का, तो भाई बहुत दिक्कत है टीम इंडिया के गेंदबाजों को स्पेशली होने वाली है। बूम बूम बुमराह के ऊपर सारी जिम्मेदारी होगी कि वो जॉस बटलर को आउट कर दे। जॉस बटलर अगर आउट नहीं हुआ तो आप ये भूल जाइए कि आप इंग्लैंड की टीम के मिडिल ऑर्डर को संभाल पाएंगे, क्योंकि जो रूट है नीचे वेन मॉर्गन है, नीचे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, दिक्कत ये भी पैदा करेंगे। दोस्तों बात करते हैं नंबर तीन की। तो तीसरे स्थान पर हमने हमारी लिस्ट में रखा है वेस्ट इंडीज के एंड्रे रसल को। एंड्रे रसल जिस तरह का परफॉर्मेंस इस आईपीएल में दे गए हैं, एक फिनिशर के रूप में वेस्ट इंडीज की टीम की एक कह सकते हैं हम नर्व क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेयर है जो नंबर तीन पर भी उतर सकता है, नंबर चार पर भी उतर सकता है और हर पोजीशन पर उतर कर, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो चाहे वो ODI फॉर्मेट हो, वो ऐसा ही परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो वर्ल्ड कप में भाई एंड्रे रसल एक बहुत बड़ा एसेट साबित होने वाले हैं विंडीज की टीम का। साथ ही दोस्तों इंडिया के प्लेयर्स के खिलाफ अमूमन इनका रिकॉर्ड बहुत बेहतर होता है तेज गेंदबाज और स्पिनर्स के खिलाफ, तो एंड्रे रसल एक बहुत बड़ी पिक रहेंगे वेस्ट इंडीज के लिए। टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में दिक्कत करेंगे, KKR के लिए बहुत बड़े प्लेयर थे, बहुत अच्छा एसेट थे, लेकिन अब शायद वो दिक्कत टीम इंडिया को होगी जो दूसरी आईपीएल टीमों को हो रही थी। बात करते हैं नंबर दो की। तो दूसरे स्थान पर भाई हमने हमारी लिस्ट में रखा है कगिसो रबाडा को। इंडियन पिचेस पे आकर अगर कोई साउथ अफ्रीकन तेज गेंदबाज पर्पल कैप ले जाता है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस करता है, तो आप ये कह सकते हैं कि इंग्लिश पिचेस इसको बहुत ज्यादा सूट करने वाली है। भाई कगिसो रबाडा अमूमन वो इंग्लिश पिचेस टाइप के गेंदबाज है जिनको हल्की सी बाउंस मिलती है, हल्की सी सीम मूवमेंट मिले तो वो खिलाड़ी को फंसा ले, लेकिन आईपीएल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो विकेट लेगा, बहुत अच्छे अपने प्राइम फॉर्म में है इस समय, जैसा परफॉर्मेंस दिल्ली की तरफ से रहा था अगर साउथ अफ्रीका की तरफ से देगा तो साउथ अफ्रीका को बहुत बड़ा कंटेंडर ये बना देंगे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचेगा, और टीम इंडिया के लिए दिक्कत और संकट के बादल जो है वो गहरा देंगे ये प्लेयर। और नंबर वन पर पहले स्थान पर भाई हमने रखा है डेविड धमाल वार्नर को। जिस तरह के फॉर्म में डेविड वार्नर इस बार के आईपीएल में थे, ये सारा इंडिकेशन यही देता है कि ये खिलाड़ी अब वो सारे बदले चुकाएगा जो इसे एक साल इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रखा गया, क्योंकि डेविड वार्नर एक ऐसा प्लेयर है भाई जिसको ना गेंदबाजी आगे कोई उसको मैटर करता है, ना कौन बॉलिंग कर रहा है वो मैटर करता है, सामने कौन सी टीम है वो मैटर करती है। अगर इनका बल्ला चलने लगा तो फिर इनको रोकना नामुमकिन तरीके से हो जाएगा। इस आईपीएल में हमने देख लिया है कि इनको लगातार अलग अलग तरीके से फंसाने की कोशिश की गेंदबाजों ने, लेकिन ये फंसे नहीं। तो भाई आईपीएल का परफॉर्मेंस जिस तरह से आया ये बहुत घातक हो जाएंगे टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड कप में। सो गाइस ये वो पांच प्लेयर्स थे जो अकॉर्डिंग टू मी वर्ल्ड कप में आईपीएल में परफॉर्मेंस देगा है, लेकिन वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के लिए घातक होंगे। आपके लिए आपके हिसाब से कौन है वो पांच प्लेयर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।